हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम बात करते हैं अनार की, जो कि मैंने रिपोर्ट किया था आप लोगों के सामने और बहुत मेहनत लगी थी मुझे इसे रिपोर्ट करने में। तो चलिए आज इसको पूरे के पूरे 10 दिन हो गए हैं, तो इसका मैं आपको रिज़ल्ट दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये एकदम हरा भरा हो गया है, ढेर सारी इसकी ब्रांचेज आ गई हैं। रिपोर्ट करने से पहले मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग की थी, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो क्या लगता है आपको, तो मैं सक्सेसफुल हुई या नहीं? मुझे तो लगता है, आप लोगों को क्या लगता है? ये देखिए कितनी सारी सॉफ्ट सॉफ्ट जो है इसकी ब्रांचेस निकलनी स्टार्ट हो गई हैं। मुझे लगता है और मुझे ये भी लगता है कि क्योंकि टंकी बहुत बड़ी है और ये अच्छे से इसमें ग्रोथ करेगा, बड़ा होगा, बहुत बड़ी बड़ी ब्रांचेस आएंगी और मुझे लगता है कि इन द फ्यूचर इसमें बहुत अच्छे फल आने वाले हैं। और उसका वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और बहुत 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 सच्चे दिल से कह रही हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि कब इसमें फल लगेंगे। तो और लगने भी चाहिए भाई, टंकी इतनी बड़ी है, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, है कि नहीं? ये देखिए इतनी जो है इसमें चौड़ा स्पेस हो रखा है। और हाँ, ये मैं कहूँगी कि देखिए टंकी कितनी बड़ी है, मैंने इसको बहुत अच्छे से फिल किया था, ठीक है, कम से कम 80% मैंने यहाँ तक जो है इसको फिल कर दिया था। लेकिन जैसे इसमें पानी पड़ा, दबाव बना, तो ये जो नीचे जो जो है ना, ये मिट्टी के नीचे हो गई है, यानी आधी टंकी के तकरीबन ये हो गया है। बट फिर भी बहुत ज़्यादा है, ये 550 लीटर की टंकी है, तो इतना भी इसके लिए बहुत है। बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ये प्लांट जो है ग्रोथ करने वाला है इन द फ्यूचर और आप लोगों के साथ बहुत अच्छी वीडियो शेयर होने वाली है, इतना तो मुझे मालूम चल गया है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बहुत सारी जो है रिपोर्टिंग जो हम रिपोर्ट करते हैं प्लांटों के साथ, तो कई बार जो है वो फेलियर हो जाता है, हम फेल हो जाते हैं और हमारा प्लांट जो है वो ग्रोथ ना करके मर जाता है। तो फिलहाल इसमें जो टंकी है इसमें बहुत सारा स्पेस है, तो हम इसमें लगाते हैं बीज, थोड़े एक्स्ट्रा बीज। और ये है मेरे कुछ घिया वगैरह के बीज, कुछ तोरई के बीज, तो इसमें बहुत सारी स्पेस है, तो मैंने सोचा कि चलो इसका यूज़ कर लिया जाए और इससे प्लांट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत सारी जगह है। तो मैंने 15-15 इंच का जो है इसमें होल करके मैंने इसमें बीज लगा दिए हैं। तो अगर आपके पास ऐसी जगह है, ऐसी कोई स्पेस है, ऐसा कोई बड़ा बर्तन या टंकी या कुछ है, तो ज़रूर यूज़ कीजिए यार, क्यों नहीं करोगे? आजकल जो है घर में जो अपना गार्डन बनाइए, अच्छी हवा आबो हवा मिलेगी, अच्छे फ्रेश वाइब्रेशन मिलेगी और जो खुशी मिलती है ना अपनी खुद की वेजेस उगाने का, उसकी तो आप पूछे मत। जब मैं खुद की उगाई वेजेस देखती हूँ ना तो दिल बागबान हो जाता है। तो मैंने होल कर दिए और अब मैं इसमें बीज डाल रही हूँ। मैं यहाँ पे जो है घिया के और कुछ तोरई के बीज डाल रही हूँ और 15-15 इंच का मैंने इसमें गैप लिया है और तकरीबन मैंने 5 से 6 इसमें बीज लगा दिए हैं। इससे पहले भी मैंने इसमें बीज पर लगाए थे, मैं आपको बताऊं, और वो बीज मैंने खरबूजे के लगाए थे। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि एक दिन मैंने आबू को छत पे भेजा था और उसने क्या किया कि मस्ती मस्ती में जो है वो जो पीक निकल गए थे पौधों के, और उसने क्या किया मस्ती मस्ती में उन्हें उखाड़ दिया, ठीक है। वैसे मेरा बेटा ऐसा काम करता नहीं है, लेकिन पता नहीं कैसे उसने ऐसे उखाड़ दिया, वरना मैंने उसको कभी नहीं देखा कि वो पौधों को नुकसान पहुंचाता है, कि उखाड़ के फेंक देता है। बट उसने ऐसा फर्स्ट टाइम किया, पर कोई बात नहीं, चलता है, कभी कभी बच्चे गलतियां कर ही देते हैं, बड़े भी करते हैं तो बच्चे क्या हैं, तो छोटी सी गलतियाँ माफ़ करी जा सकती है। तो बीज हमने दबा दिए हैं और हम करते हैं वाटरिंग। वैसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको पता ही है 2 दिन से मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है और बारिश भी हुई थी, तो काफ़ी नमी है मिट्टी में, तो हम बस थोड़ा सा ही पानी देंगे। ये देखिए उन सारे पौधों में से बस यही एक बेचारा बचा है और शायद पता नहीं उसने इसे कैसे छोड़ दिया। तो ये देखिए, ये है मेरे पहले के घिया के प्लांट और खरबूजे का प्लांट, जिसमें से बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से सिर्फ एक ही बचा है, ग्रोथ नहीं हो पाई, बहुत ज़्यादा गर्मी थी आपको मालूम है, मैंने पहले भी बताया था। बट ठीक है, कुछ तो मिला कुछ ना मिलने से कुछ मिलना बेहतर है। और ये मेरी दूसरी घिया है जो मेरे प्लांट में लग रही है और ये देखिए काफ़ी बड़ी है, ये इसका वेट तकरीबन 0.5 किलो से कुछ ही कम होगा, काफ़ी हैवी है, इसे मैं अपने हैंड हाथ में लेकर देख रही हूँ।
ये एक गोल किया है। और आज का वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने आपको अब ये एक अपडेटिंग वीडियो था, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।